जिसने जितनी जितनी मुसीबतों का सामना किया है आगे चलकर उतना ही सुख पाया है। और इस दुनिया के अंदर अमर होकर के कोई भी नहीं आया, इस दुनिया में अमर होकर कोई भी नहीं आया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई विमान न जात है तो कोई खिचत जात जंजीर। रहना नहीं देश बिराना है संसार मुसाफिर, खाना है या रहेंगे कोई नहीं जाना, सभी सभी छूट जाएंगे अपने पराए। वो अकेले अगर आए हो तो अकेले ही जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा। ध्यान दे, इस दुनिया में अमर होके कोई भी नहीं आया। फिर हम और आप किस चीज पे घमंड करते हो? घर परिवार ये हमारा नहीं, जितना भी धन दिया है भगवान ने दिया है, घर परिवार दिया है भगवान ने दिया है, यहाँ तक कि शरीर भी भगवान का है, तो हम तुम घमंड किस पर कर सकते हो? एक कवि कहता है क्या कि अरे नारा काहे पे करत गुमान, कि अरे नारा काहे पे करत गुमान, ओ कोई नहीं अमर रह हो जा दुनिया। इस दुनिया में इंसान की बात छोड़ो, इस मृत लोक पर अगर भगवान भी आए तो भगवान को भी मृत लोक को छोड़ के जाना पड़ा, तो हम और आप कौन से खेत की मूली हो? इसीलिए ध्यान देना, जुना पाड़ाधारी रथ हाकी रहे बनावारी, अर्जुन को देखो जिनके साथ में हमेशा भगवान का रहिया रहा करते थे, मगर याद रखना वो भी इस दुनिया में अमर होके नहीं आए। भय अर्जुन पाड़ा धारी रथ हाकी रहे बनावारी, भय अर्जुन Thank you.
वो भी इस दुनिया में अमर होके नहीं आया, आखिर में अंत में प्रभु श्री राम ने उसको ढेर कर दिया। और अरे कर दे देवन के अपमान, बेउराए हमारा लाओ जा दुनिया में, अरे नाना काए पे करत अपमान, कोई नाए हमारा लाओ जा दुनिया में। भगवान के भक्त ही सुनते हैं, और भगवान की कथा में मन भी हरे किसी का नहीं लग सकता है। भगवान की कथा में मन भी हरे किसी का नहीं लग सकता। भगवान की कथा में मन तो उन्हीं का लगता है जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। दुनिया वालों से सब प्रेम करते हैं, अपने घर परिवार वालों से सब प्रेम करते हैं। जितना प्रेम घर परिवार से करते हो, जितना प्रेम अपने बाल बच्चों से करते हो, अगर उतना ही प्रेम भगवान से करके देखो, अगर जीवन का सितारा न चमक जाए तो बात। ये दुनिया तो तुम्हारा तब साथ देती है, तुम्हारे पास में रुपया पैसा होता है, तुम पैसे वाले होते हो। ये दुनिया तुम्हारा कब साथ देती है? जब तुम पैसे वाले होते हो, जब तुम दूसरों को सहारा दे सकते हो, तब दुनिया वाले तुम्हें सहारा देते हैं। और जब तुम्हारे ऊपर गरीबी आ गई, तुम्हारे पास किसी को सहारा देने का समय नहीं है, तब दुनिया वाले तुम्हें सहारा देते हैं। तो बात तो ये है कि गरीबी को कोई नहीं पूछता, पैसे वाले को सब पूछते हैं। जब तक इंसान पैसे वाला रहता है तो सब लोग राम राम करते हैं गली से निकल के जाते हैं, तो और गरीबी आ जाती है तो कोई सलाम करने वाला भी नहीं मिलता है। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही एक ऐसा है जो दुख में भी साथ देता है और सुख में भी हमेशा साथ देते हैं। भगवान के भक्त भगवान को भूल सकते हैं, मगर भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूल सकते। अगर सच देखा जाए तो दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम करती है? ये दुनिया सबसे ज्यादा किसको चाहती है? जिसका तन सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो। परीक्षा जी, ये दुनिया सबसे ज्यादा किसको चाहती है? जिसका तन सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो। ये दुनिया उसे चाहती है जिसका तन सुंदर हो। दुनिया उसको चाहती है जिसका तन सुंदर हो। अपने लड़के की शादी करो, बहू देखने जाओगे, बहू का तन देखोगे, मन देखोगे? बहू का तन
तनी तो देखते हो ऊपर से सुंदर है बस ठीक है, अंदर से कोई नहीं देखता। तो ये दुनिया चाहती है जिसका तन सुंदर हो, और भगवान किसे चाहते हैं जिसका मन सुंदर हो। दुनिया चाहती है जिसका तन सुंदर होता है, और भगवान उसे चाहते हैं जिसका मन सुंदर होता है। मन भी सुंदर तन भी सुंदर, ये तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है या भगवान के चाहने वाले का हो सकता है, और इन दो के सिवा तीसरे का हो ही नहीं सकता। बोलीवा के बिहारी लाल की कल की पावन बेला में आप सभी भक्तों ने सुना कि हमारे भारत भूखंड की धरती पर ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने धर्म के आगे अपनी जान की बाजी लगा दी मगर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र, महारानी तारा, बेटा रोहिदास, तीनों प्राणी बिक गए। कहां राजा हरिश्चंद्र एक मेहतर के हाथों में बिक गए। इसीलिए याद रखना, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, ये सब समय की बात होती है। भगवान चाहे, समय चाहे, राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा बना दे, गरीब को पैसे वाला बना दे, पैसे वाले को गरीब बना दे, इस समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस समय ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये समय किसी को माफ नहीं करता। भगवान हो या भगवान के भैया हो या भगवान के बाप हो, लेकिन ये समय किसी को माफ नहीं कर सकता।